जो पार्लियामेंट का और संसद का घेराव कर रहे हैं, इनका क्या मकसद है? सर आपका नाम? मैं डॉक्टर डीएल कराड़ सीआईटू का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इस घेराव आंदोलन में महाराष्ट्र से 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता अपनी 12 मांगों के लिए यहाँ पे आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि किमान वेतन कम से कम 18000 रुपये महीना होना चाहिए। अभी की महंगाई के जमाने में जीने के लिए कम से कम इतना वेतन जरूरी है। सरकार ने 7वां वेतन आयोग में 18000 किमान वेतन मान लिया है, वही किमान वेतन सभी उद्योग के कामगारों को लागू होना चाहिए, हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जो ठेका पद्धति है जिसमें हमारे देश के नौजवानों को और नवयुवतियों को एक गुलाम की ज़िंदगी जीना पड़ता है, कोई कानून का अमल नहीं होता, ईएसआई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलती, किमान वेतन नहीं मिलता और एक्सीडेंट हुआ तो उनको कोई उसका मुआवजा नहीं मिलता, तो ऐसे जो ठेका कामगार है उनको कायम काम में लगाया जाता है तो उनको कायम करना चाहिए। और अभी ही सर्वोच्च न्यायालय ने जो निकाल दिया समान काम को समान वेतन देने का, उसका अमल पूरे देश में होना चाहिए, हमारी मांग है। साथ में ही मोदी सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दे देंगे और आपने देखा कि जो नौकरियां थी चली गई, नोटबंदी के कारण लाखों नौजवानों की नौकरी चली गई और नई नौकरी आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, कोई नौकरी नहीं आई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार ने ऐसे क्षेत्र में गुंतवणूक करनी चाहिए जिसके कारण नौकरियां बने और हमारे देश के नौजवानों को काम मिले। सरकार के अलग अलग खातों में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खातों में लाखों की संख्या में वैकेंसीज है, उसको भर्ती नहीं किया जाता और उसको भर्ती करना चाहिए ताकि नौजवानों को काम मिले। साथ ही में सरकार ने जो भूमिका लिया है कि आजकल बहुत ही थोड़े लोगों को पेंशन मिलता है, 1-2% लोगों को पेंशन मिलता है, मगर हमारी मांग है कि हिंदुस्तान के हर 60 वर्ष आयु वाले व्यक्ति को कम से कम 3000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए, यह हमारी मांग है। साथ में सरकार ये तो हमारे जो कानून बदल रही है वर्कर के लिए, जो कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून है, स्टेट गवर्नमेंट के कानून है, ये सभी कानून को तोड़कर कामगारों का हक छीनने का काम मोदी सरकार कर रही है, इसको हमारा भारी विरोध है। किसी भी हालत में ये कानून बनने नहीं देंगे। मोदी जी ने 2014 में जो आश्वासन दिए थे, एक ही आश्वासन उन्होंने पूरा नहीं किया, उन्होंने जनता का विश्वासघात किया है और इसके लिए मोदी सरकार एक गद्दार सरकार है। इस सरकार को हटाने के लिए और पूरी जनता को तैयार करने के लिए और 12 सूत्री मांगों हक पाने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। सर मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, आप तो देख रहे हैं कि मोदी सरकार के साथ में अदानी अंबानी है, उनका विकास कर रहे हैं। मोदी सरकार किसान और मजदूर है, नौजवान है, महिला है, आदिवासी है, दलित है, उनका तो कहीं विकास नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, दलित आदिवासी के ऊपर अत्याचार चल रहे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहे। तो मोदी जी की जो घोषणा थी सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं हुआ है। मोदी तो अपने देश के टॉप 10 बड़े बड़े मालिक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे। सर अभी नोटबंदी का जो एक साल पूरा हो गया, एक साल एक महीना हो गया, दूसरा दिन है, और उधर जीएसटी, सर नोटबंदी और जीएसटी से ये पूरे भारत पे क्या असर पड़ा है? देखो हमारे देश का में अतिरेकी लोग बहुत हल्ले करते हैं, वह हमारे दुश्मन है, मगर ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर और हमारे 120 करोड़ जनता का के ऊपर अगर किसने हल्ला किया हो तो मोदी ने किया है। नोटाबंदी करके उन्होंने पूरा जो असंगठित क्षेत्र है उसको खत्म कर दिया, छोटे मोटे उद्योग थे उनको खत्म कर दिया, किसानों का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान किया। आपको मालूम है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा नुकसान अपने किसानों का और बाकी जनता का हुआ है। नोटबंदी के कारण जो उन्होंने बोला था कि फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, वैसा नहीं हुआ, जो अतिरिक्त की कार्रवाई कम हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी संख्या बढ़ी है, तो अतिरिक्त की कार्रवाई पर कोई असर हुआ ऐसा दिखाई नहीं देता है। कालाधन आने की बात थी, आप देख रहे हैं कि कोई कालाधन नहीं आया, उल्टा जो कालाधन लोगों के पास था, बड़े बड़े लोगों के पास, ये नोटाबंदी का फायदा उठाकर उन्होंने उसको सफेद कर दिया और कालाधन लोगों का सरकार के पास नहीं आया। और जो मोदी ने वादा किया था कि हर गरीब के अकाउंट में हम 15 लाख रुपए काला धन में से डालेंगे, वो भी झूठ साबित हुआ है। तो मोदी जी हमारे देश के लिए काम कर रहे ऐसा नहीं दिखता है। मोदी जी
मोदी जी के पास हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलाने का कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। एक ग्राम पंचायत जैसे चलानी चाहिए वैसे देश को चला रहे और उनके मन की बात सब चला रहे। लोगों ने उनको चुन के दिया था, लोगों के मन की बात पूरी करने के लिए चुन के दिया था और वो सब भूलकर अभी मोदी खुद के मन की बात चला रहे और वो मोदी की मन की बात अदानी और अंबानी की मन की बात बन रही है, ये हम सब अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये आपकी 12 सूत्री मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता तो आपकी अगली मांग क्या रहेगी, आपकी अगली योजना क्या रहेगी? देखो, सभी ट्रेड यूनियन को इकट्ठा अभी हमने किया है और शहरों में, गांव में, कारखानों में, कचेरियों में हमारा प्रचार चल रहा है। हम तो सभी ट्रेड यूनियन को यह अपील करना चाहते हैं, ये सरकार के साथ एक मोर्चा निकालो, दो मोर्चा निकालो, इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए होता है। यह सरकार अंधी भी है, बहरी भी है, तो इस सरकार को अगर जगाना है तो सभी ट्रेड यूनियन से मिलकर, सभी वर्करों ने मिलकर 2018 में बेमुहलत संप की तैयारी करनी चाहिए। 8-10 दिन ये देश ठप हो जाएगा, जैसा किसानों का महाराष्ट्र में संप हुआ और सरकार को झकमार के किसानों से बात करनी पड़ी, वैसा पूरे देश के अगर वर्कर बेमुहलत संप करेंगे तो मोदी की सरकार को हमारी मांगे पूरी करने के लिए हम बाध्य कर सकते हैं।